हाय फ्रेंड, त्रिशोर का और एक न्यू ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। दोस्तों देखिए, तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी पोली हाउस में काम करने जा रहे हैं। पोली हाउस में अभी झंडू का नया रोप लगाएंगे, तो उसी के लिए साफ़ सफाई करने जा रहे हैं। दोस्तों उस दिन फेंक के पूरा ख़त्म हो गया, अभी उसको साफ़ करेंगे, पूरा पोली हाउस को पूरा साफ़ करेंगे और उसमें खाद डाल के फिर कल रोपेंगे। कल नया रोप लेके आएंगे झंडू का, गेंदा फूल बोलते हैं उसको, इस बार गेंदा फूल लगा रहे हैं। तो अभी उधर ही काम करने जा रहे हैं। वीडियो में न्यू है तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी पोली हाउस जा रहे हैं काम करने, अभी इधर रास्ता में है देखिए घर का सामने, तो अभी पोली हाउस ही जा रहे हैं काम करने के लिए। और देखिए उसमें पोली हाउस के अंदर नहीं दिख रहे, तो उसमें अभी झंडू का फूल लगाएंगे, अभी उसको साफ सफाई करेंगे और कल फिर से फूल लेके आना है नर्सरी जाके, नर्सरी जाके फूल लेके आएंगे और उसके बाद में रोपेंगे। दोस्तों उसको भी दिखाएंगे, अभी फिलहाल में साफ करने जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर वाला पॉली हाउस में ही जा रहे हैं, कहें कि वही उसमें ही रोपना है। यही खाद को डालेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा डाल देंगे गोबर खाद को ही, और दूसरा खाद तो नहीं डालेंगे। अभी देखिए पोली हाउस तो नज़दीक है, ज़्यादा दूर में नहीं है, तो पोली हाउस में ही आ रहे हैं, अभी साफ़ करेंगे उसको दिखाएंगे। दोस्तों दरवाज़ा देखिए, दोस्तों देखिए पूरा कल पूरा फेंक के ख़त्म हो गया। ये इसमें सेवंती लगाया था दोस्तों, लेकिन मात्र 2 महीने ही चलता है, 2 महीने के बाद पूरा निकाल दिया। निकालने के बाद अभी दूसरा लगाएंगे, फिर झंडू भी उतना ही जाएगा, 2-3 महीना, 2 महीना लास्ट जाता है, फिर उसको लगाएंगे, फिर उसका फूल ख़त्म हो गया तो फिर निकाल के फेंक देते हैं। तो इसको भी ऐसे ही किया, निकाल के पूरा फेंक दिया, देखिए पूरा सब तरफ खाली है। अभी पूरा साफ करेंगे इसको, देखिए चारों साइड में जो घास दिख रहा है ना, सभी को साफ करेंगे। अभी देखिए इधर तो थोड़ा कल 2-3 लाइन साफ किया है, देखिए इधर पूरा साफ दिख रहा है, इधर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन जैसा, 5 लाइन जैसे साफ किया है दोस्तों। इधर देखिए साफ दिख रहा है, और उधर देखिए उधर थोड़ा हल्का फुल्का घास है, तो वही सबको पूरा फेंक देंगे। फेंकने के बाद में, अभी फेंकने के बाद में फिर ये ड्रिप ड्रिप है ना, ये पाइप पानी आता है, उसको सीधा करेंगे, और सीधा करके बाद में खाद डाल देंगे, गोबर खाद। गोबर खाद डालने के बाद में फिर कल गेंदा फूल लेके आएंगे और रोपेंगे, उसको भी दिखाएंगे। 1100 झाड़ लाना है, 1100 इधर पूरा बिठाना है, तो इस बार दूसरा फूल लगा रहे हैं, तो देखते हैं। अभी ठंडा का सीज़न है तो लाइट लगाना पड़ता है, सेवंती में लाइट लगाने के पड़ेगा तो बहुत बल्ब लगेगा, तो उसके लिए गेंदा फूल लगा रहे हैं, गेंदा फूल में लाइट नहीं लगाना पड़ता है। और देखिए कालू उधर ही घूम रहा है, छोड़ दिया है तो आया है खेलने के लिए। चलिए दोस्तों निकाल के दिखाते हैं, चलिए घास निकालते हैं, पहले दिखाते हैं। देखिए अभी साफ करेंगे दोस्तों इसको, उधर तो देखिए पूरा साफ कर दिया है, पहले उसको अभी उधर ही से साफ किया है, अभी इसको निकाल के दिखाते हैं थोड़ा सा, इसको निकालेंगे इधर तक, और उधर पूरा साफ हो गया है, और इधर बाकी है देखिए, इधर इधर का बाद में निकालेंगे, अभी फिलहाल में दिखा रहे साफ करते हैं। देखिए खुरपा लिया है हाथ में, और उसको कैसे निकालेंगे उसको देखिए, पूरा निकलता है इस समय। इसमें बहुत घास है, पूरा साफ हो जाता है, दोनों साइड से लेके जाते हैं। इसे निकालेंगे उसको, पीछे करते जाएंगे, बाद में इसको फेंकेंगे। ये सबको पहले लगाए थे ना, उसका घास है ये सब, तो इसको साफ करेंगे ताकि
बीमारी जल्दी नहीं आई, ऐसा पहले से ही है। पहले सेवंती लगाए थे लेकिन इस बार दूसरा लगाएंगे तो रोपने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी घास नहीं आएगा इस समय रोपेंगे तो। और घास बहुत पहले वाला है तो इसलिए पहले वाला झाड़ है, इसलिए देखिए इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। और मूली रह गया तो फिर से फूटेगा। देखते इसमें निकालेंगे तो पूरा निकालना है इसको, देखिए ऐसा है। देखिए और थोड़ा बहुत निकालते हैं दोस्तों। देखिए खत्म हो गया एक साइड का। खत्म हो गया दोस्तों, इधर के वाला है। देखिए पैसा निकालते हैं। इधर का क्या है? काहे कि ये वाला फूल को लगाया तो एक ही बार साफ करते हैं। ये सेवंती का फूल लगाया तो छोटा छोटा झाड़ रहता है, उसी टाइम घास निकालने को बनता है, नहीं तो बाद में बड़ा हो गया तो फिर निकालने को नहीं बनता है। काहे कि टूटता है इसको डाली, इसीलिए पहले साफ। देखिए तो इसको खाली हो गया, बाद में जो नीचे खड्डा खड्डा में है उसको निकाल के फेंक देंगे जाली से। पूरा इसमें कल फूल लगाना है, इसमें कल ही लगाएंगे। खाद भी डालना है इसमें तो उधर खाद डालेंगे, अभी तो फिलहाल में इतना ही निकालेंगे। खाद डालेंगे तो दिखाते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा देर में खाद डालेंगे उधर, थोड़ा बहुत साफ करके गोबर खाद ही डालेंगे। पूरा साफ हो गया। पहले इसमें जेरबेरा था लेकिन जेरबेरा निकाल के खत्म हो गया। उसका लिम 4-5 साल का था, उसका डेट खत्म हो गया तो निकाल दिया। तो अभी फिलहाल में फिर से इसमें जिप्सम लगाएंगे 5-6 महीने के बाद में, जून के आसपास पूरा शेड में जिप्सम लगाना है। तब तक खाली रहेगा इसलिए गेंदा फूल लगा रहे हैं। गेंदा फूल भी 2 महीना में ख़त्म हो जाता है, तो गेंदा फूल जब लगाएंगे झंडू सब तो 2-2 महीना में ख़त्म होगा। फिर जून में बड़ा प्लांट करके एक ही बार जिप्सम लगा देंगे पूरा। चलिए दोस्तों अभी तो इतना साफ करते हैं, हो गया। खाद डालेंगे उसको दिखाते हैं थोड़ा देर में। देखिए दोस्तों खाद डाल रहे हैं, देखिए उधर थोड़ा पूरा डाल दिया, पहले उधर से डालते आ रहे हैं, उधर पूरा डाल दिया। अभी 4-5 लाइन बाकी है तो डाल के दिखाते हैं। देखिए ये गोबर खाद है, दोनों साइड में डालते जाते हैं। देखिए गोबर खाद का ही यूज करते हैं ये सब फूल के लिए। तो देखिए ऐसे ही डालते जाएंगे, दोनों बेड में जा रहे हैं डालते डालते।
काहे कि पहले उधर डाल दिया है, बस थोड़ा इधर की ओर 5-6 बेड बाकी है। बाद में ड्रिप को एक जगह कर देंगे, पानी छोड़ेंगे उस टाइम। फूल रोपने का तैयारी चल रहा है दोस्तों, काल रोपेंगे लाके, उसके लिए ही तैयारी चल रहा है। इसे खाद वगैरह डाल के रेडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बाल्टी रखे हैं इधर ही, यहाँ पर एक बाल्टी रखे थे इधर ही सामने। थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, ज्यादा भी नहीं डाल रहे हैं, मतलब मैं तो बाद में जो ये ड्रिप सब दिख रहा है ना, इसको ऐसे सीधा करेंगे बाद में, ऐसा देख के देखिए। हाँ, इसको इसे सीधा भी करना है ताकि बीच में झाड़ रोपेंगे, थोड़ा ढीला है, उधर ईंट लगा देंगे सीधा हो जाएगा। अभी इसको डालते जाते हैं, देखिए और एक बाल्टी लाएंगे तो खत्म हो जाएगा। पहले कहीं इधर एक रह गया, बाद में निकालेंगे उसको फिर से। देखिए अभी तो डालना हो गया है पूरा, काल रोपेंगे फूल, उसको ही तैयारी चल रहा है। काल लाएंगे और इसमें रोप देंगे पानी छोड़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, फूल रोपेंगे उसको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। अभी तैयारी करके हो गया है, काल फूल रोपेंगे तो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो वीडियो में नहीं हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फूल रोपने के टाइम।